नमस्कार, फिर से स्वागत है हमारे इस विशेष चर्चा जो हम लोग आज कर रहे हैं बजट के ऊपर, और हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। मैं अर्पित भाई का फिर से स्वागत करूंगा जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं हमारे, दोबारा से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और इन्होंने बजट बजट क्योंकि ये जो देश का डाटाओं का खेल है, डाटा और उस फिगर्स का खेल है, ये हम लोगों के से समस्या बहुत दूर है और मदद की है। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, जो लोन सॉरी जो अभी टैक्स वाला हुआ है 2.5 लाख से 5 लाख में, इसके चेंज होने से इंडस्ट्रीज को, क्योंकि लोगों का पैसा अगर बचता है तो कहीं ना कहीं बैंक कैपेसिटी बढ़ेगी, चीजें बढ़ेंगी, तो इससे क्या देश की अर्थव्यवस्था और इंडस्ट्रीज और बाकी सारे सेगमेंट्स हैं उसमें कितना आप बदलाव देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपने क्वेश्चन पूछा कि अगर 5 लाख तक इनकम बंदा कमाता है जी, तो बट ऑब्वियसली बात है कि बंदे की परचेजिंग पावर बढ़ती है। अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तो हम ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे जी, जी। तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर हमारे पास ज्यादा पैसा तो जब मैं खर्च करूंगा तो ऑटोमेटिक सी बात है इंडस्ट्री भी का ग्रोथ भी होगा और अदर जो सिनारियो जो उससे रिलेटेड एक्टिविटीज है उनका भी ग्रोथ होगा। बट आप जो कह रहे हैं कि 5 लाख की छूट है, उसमें थोड़ा मैं मॉडिफाई करना चाहूंगा आपको कि वो 5 लाख की छूट इस तरीके से नहीं है। मतलब जो पीयूष गोयल साहब ने बोल दिया कि 6.5 लाख रुपए तक टैक्स बन रहा है, उसका थोड़ा सा एक इशू है, टेक्निकल था, थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है जो मैं आपके साथ जरिए लोगों को समझाना भी चाहूंगा कि वो इस तरीके से है कि एग्जेम्पशन लिमिट जो पिछले साल थी 2.5 लाख रुपए की, वो एज इट इज 2.5 लाख तक ही है। 2.5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। इनकम टैक्स में एक सेक्शन है 87A जिसको गवर्नमेंट ने पिछले फाइनेंशियल बजट में उसको इंट्रोड्यूस किया था, उसमें सेक्शन 87A में 2.5 लाख रुपए की आपको छूट दी थी और बोला था कि 2.5 लाख तक, सॉरी 2.5 लाख कह रहा हूँ, 2,500 रुपए की छूट दी थी 87A में, और बोला था कि वो उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी इनकम 3 लाख तक है जी। अब वो इस तरीके से कैलकुलेशन है, सपोज करिए आपकी इनकम 3 लाख रुपए है, पहले 2.5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, 2.5 लाख से लेके 3 लाख तक 50,000 रुपए पे आपको 5% टैक्स बनता है जी। तो 5% अगर हम निकालते हैं 50,000 के ऊपर, वो 2,500 रुपए बनता है, तो 2,500 का आपका टैक्स बन गया। गवर्नमेंट ने कहा 87A में आपको 2,500 रुपए की एग्जेम्पशन और दे रहे हैं, तो उस 2,500 टैक्स से जो 2,500 का जो हमारा एग्जेम्पशन वाला पार्ट आया तो वो उससे टैक्स नलीफाई हो गया, टैक्स हमारा जीरो हो गया। इसको अगर हम लेमैन लैंग्वेज में कहें कि भाई हमारी 3 लाख की इनकम थी, हमने कोई टैक्स नहीं दिया, आम जनता के लिए तो ये हो गया कि 3 लाख पे आपको कोई टैक्स नहीं देना। बट उसका जो थोड़ा टेक्निकल पार्ट है वो मैंने आपको बताया कि अगर 2,500 का टैक्स बना तो 2,500 का रिबेट दिया। इस बजट में क्या हुआ है कि जो वो 2,500 की डिडक्शन थी सर, जो 87A में, उसको गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, उसको बोल दिया कि हम अब आपको 12,500 की डिडक्शन देंगे अंडर सेक्शन 87A। अब हम आते हैं, एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए आपकी इनकम 5 लाख रुपए है, तो पहले 2.5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं, बचे हुए 2.5 लाख रुपए जो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में अगर हम 5% निकालते हैं तो वो आपका कैलकुलेशन 12,500 रुपए का होता है। तो आपका टैक्स तो बना 12,500 रुपए का, बट गवर्नमेंट ने रिबेट दे रखी है 87A की कि आपकी अगर इनकम 5 लाख तक है, 5 लाख के बराबर है या 5 लाख से कम है, तो आप 87A का बेनिफिट ले लीजिए। तो हमने क्या किया, जो हमारी 2.5 लाख की इनकम थी उस पर 12,500 टैक्स बनाया और आपको सिंपली 87A की 12,500 की रिडक्शन ले ली, आपका टैक्स बन गया जीरो। अब इसी को हम 5 लाख को दोबारा एक और एग्जाम्पल के साथ लेते हैं। पीयूष गोयल साहब ने कहा कि हम 6.5 लाख रुपए तक की इनकम को जीरो टैक्स देंगे। अब क्या होता है, आपने सुना होगा सेक्शन 80C है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं LIC में, म्यूचुअल फंड में, आप ट्यूशन फीस वगैरह होती है, ट्यूशन फीस देते हैं उसमें, तो उसकी एक 80C की एक सीमा है कि आपको 1.5 लाख रुपए का हम छूट देंगे उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट है। इसकी अभी हम एक सपोज कर एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज करिए आपकी इनकम 6.5 लाख रुपए, तो उस 6.5 लाख में से पहले सारी डिडक्शन माइनस होती है। अब डिडक्शन साथ देखकर सपोज को मेडिकल की भी पॉलिसी में ले लेता हूँ, आपका 80C में 1.5 लाख रुपए मेडिकल इंश्योरेंस, आपने हेल्थ इंश्योरेंस दे रखा है उसका 25,000 रुपए की लिमिट है, तो आपने क्या किया 80D में 25,000 रुपए ले लिया। अब आपकी इनकम भी मैं बढ़ा देता हूँ, 5 लाख प्लस 1.5 और 25 रुपए मैं कर दिया 6,75,000 रुपए आपका, तो 6.75 सपोज करिए आपकी इनकम हो गई। अब उस 6.75 में से सबसे पहले आपने 80C में से 1.5 लाख रुपए माइनस किया, बचा आपका 5,25,000 रुपए, फिर 80D को माइनस करिए मेडिकल क्लेम वाला, आपकी इनकम आ गई 5 लाख रुपए। अब इस 5 लाख रुपए के ऊपर आपका टैक्स बनाया जाएगा, तो टैक्सेबल इनकम, हाँ टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए आपकी। जब इस 5 लाख पर टैक्स बनाया जाएगा तो बन के आएगा 12,500 रुपए।
फिर गवर्नमेंट वाला चलो आपको 80A की डिडक्शन और दे रहे हैं क्योंकि आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है या 5 लाख के बराबर है आफ्टर ऑल दी डिडक्शन. अब डिडक्शन आपकी ज्यादा भी हो सकती है. अब 80C में 1.5 लाख है, 80D में 25,000 रुपए. अब 80D में एक और है कि अगर आपने अपने पेरेंट्स की भी इंश्योरेंस पॉलिसी दे रखी तो अब एडिशनली आप 25,000 रुपए ले सकते हो. दैट मीन्स आप 25 + 25 50,000 रुपए का डिडक्शन ले सकते हो. उसी में ये भी है कि अगर आपके फादर सीनियर सिटीजन है तो जो फादर वाली जो लिमिट है या मदर वाली जो लिमिट है उसको बढ़ा के 50 कर दिया. दैट मीन्स यू कैन टेक अ बेनिफिट ऑफ अराउंड 25 + 50 दैट मीन्स 75,000. इसी तरीके से एक नेशनल पेंशन स्कीम है उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं. अगर हम इन्हीं चीजों को ऐड करते जाएं तो हमारी लिमिट तो 5 लाख 1.5 लाख 6.5 लाख फिर अगर उसको 75,000 ये ऐड करते हैं तो 7-25 हो गया. फिर और भी जोड़ते जाएं तो हम तो ये भी कह सकते हैं हम 10 लाख तक आपकी टैक्स पे कोई टैक्स वो इनकम पे टैक्स नहीं है. बट ये सिनारियो नहीं है ना. सिनारियो ये कि आपको जो छूट मिली इस पे आपको पैसे पहले लगाने पड़ेंगे फिर आपको मतलब ओवरऑल ये है कि 5 लाख तक अगर कमाता है कमाता है कोई और उसमें है तो उसमें उसको टैक्स देंगे. टैक्सेबल इनकम अगर आपकी 5 लाख रुपए तक तो कहीं ना कहीं ये क्या जो टैक्स पेयर्स हैं उसकी संख्या बढ़ाएगी या उससे लोग प्रेरित होंगे कि टैक्स जो रिटर्न फाइल करने में आगे आए. बिल्कुल. इससे देखिए मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ तो कई लोग आते हैं कि सर 2.5 लाख तक की नहीं उनकी रिटर्न है आप मेरी 2.5 लाख ही भर दो. ऑल्दो उनके बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन हो रखी हो उससे क्या होता है कि बंदे को टैक्स देने में ना घबराहट होती है. कोई भी अपनी जेब से बिना बात का खर्चा नहीं करना चाहता है, टैक्स नहीं देना चाहता बिकॉज लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि उनको नहीं नॉलेज है कि टैक्स से क्या क्या होता है, टैक्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं. बट लोग नहीं देना चाहते तो इससे क्या होगा जब ये 5 लाख तक की हो गई है तो इससे ना जो टैक्स पेयर उसको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं ज्यादा इनकम अपनी थोड़ी डिक्लेयर करूँ. ऑल्दो उसको टैक्स नहीं देना है बट इससे क्या होगा कि टैक्स बेस जैसे अभी हम लोगों का मेन प्रॉब्लम कंट्री का ये है कि टैक्स पेयर्स नहीं है, टैक्स बेस बहुत कम है. 3 करोड़ के लोग जो है वो भरते थे, अभी जब से डीमोनेटाइजेशन हुआ तो उसे संख्या डबल हो गई, 6 करोड़ लोग हो गए. बट 125 करोड़ की पॉपुलेशन में छोटे बूढ़े बच्चे और कम को हटा ढोके अगर हम सब उसको कुछ भी अंदाजा निकालते हैं तो कम से कम तो 80 करोड़ या 50 करोड़ तो होंगे जो 18 साल से ऊपर होंगे और 80 साल से कम होंगे. हाँ, मतलब अगर हाउसहोल्ड की बात करें तो 25 से 30 करोड़ हाउसहोल्ड है. हाँ, एक घर में 1 से 2 लोग मैक्सिमम वर्किंग होते हैं तो संख्या कम है इसमें बढ़ने के टैक्स बेस बढ़ेगा और गवर्नमेंट को बट ऑब्वियसली बात है जब टैक्स बेस बढ़ता है तो गवर्नमेंट का टैक्स असेसमेंट का दायरा बढ़ता है और टैक्स कलेक्शन का दायरा. दूसरा मैं एक और चीज आपसे समझना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि हमारे लोग भी इस चीज को समझे. जो एक मकान और दूसरे दो मकान वाली जो बात थी कि दो मकान आप ले सकते हैं या उसके इनकम को आप इसमें तो वो उसको थोड़ा यहाँ पे दो है, दो पॉइंट है इसमें भी आप जो कहें. एक होता है कैपिटल गेन. आपके पास कोई प्रॉपर्टी है या कोई भी कैपिटल एसेट है आपने वो बेचा तो बेचने के बाद आपको क्या होता है सपोज करिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उसमें गवर्नमेंट ने ये बोला कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा उसके ऊपर. गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप उस टैक्स से भी बचना चाहते हो तो आप आगे कोई एक घर खरीद लो. आपने कोई भी एसेट बेचा, घर ही बेचा या लैंड बेची, प्रॉपर्टी बेची, आपने अगर कोई आगे घर खरीद लिया, फ्लैट खरीद लिया तो हम आपसे कोई भी टैक्स नहीं लेंगे. मैं एग्जाम्पल देता हूँ, 1 करोड़ का आपने फ्लैट घर बेच दिया और जब आपने खरीदा तो उसकी कोई वैल्यू होगी, सपोज करो उसकी आज की वैल्यू 60 लाख रुपए है, आपका 40 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया. गवर्नमेंट कह रही है कि 40 लाख के ऊपर मैं आपसे फ्लैट 20% टैक्स दूंगा, दैट मींस कि 8 लाख रुपए आपसे वो टैक्स लेगा. अगर आपको ये 8 लाख रुपए बचाने हैं तो 40 लाख रुपए का जो आपको गेन हुआ है वो आप एक मकान खरीद लीजिए. अगर वो आपने 40 लाख का नया मकान खरीद लिया तो हम आपसे कोई भी टैक्स नहीं लेंगे. ओके, तो ये था पुराना सिनेरियो. ठीक है, इस बजट में उन्होंने क्या किया, अब होता क्या था कि अब बंदा चाहता है यार मैं ऐसी जगह पे लगाऊं कि मैं 2 प्रॉपर्टी खरीद लूं उस 40 लाख रुपए में या 3 प्रॉपर्टी खरीद लूं, तो उसमें पहले रिस्ट्रिक्शन था कि उस 40 लाख सिर्फ आप एक मकान खरीद सकते हो. अब वो उन्होंने छूट दे दी कि अब आप उस 40 लाख से 2 मकान भी खरीद सकते हो. ओके, पहले अलाउड नहीं था. पहले अलाउड नहीं था कि आप एक ही मकान खरीद सकते हो. अब उन्होंने बोल दिया नहीं आप 2 मकान खरीद सकते हो, भले आपको सस्ते मिल रहे तो आप 2 खरीद लो. बंदा चाहता भी कि मैं 2 खरीद लूं. और इसके बाद एक और है इसमें क्रैक्स ऑफर जो आप कह रहे हैं कि सपोज करिए मैं किसी शहर में रहता हूँ और मेरे पास 2 मकान है, एक मकान में मैं रहता हूँ, एक मकान मेरा खाली पड़ा हुआ है, मैंने किसी को किराए पे नहीं दे रखा. तो गवर्नमेंट की ये पॉलिसी थी कि हम आपका जो मकान खाली पड़ा हुआ है उसको हम मान लेंगे कि वो डीम्ड आपने किसी को रेंट आउट कर रखा है, नोशनल इनकम
वर्ड बोलते थे उसको, तो क्या है सपोज कर आपने खाली भी पड़ा हुआ तो उस एरिया में जो रेंट चल रहा होगा, सपोज करिए द्वारका की तरह कोई रेंट चल रहा है 12,000 रुपए का और आपका भले ही फ्लैट खाली पड़ा हो, तो वो बोलने की आपकी 12,000 रुपए की इनकम हो रही है, हमें नहीं मतलब आपको आपने उठा रखा कि नहीं उठा रखा, हम उसको चेक कर भी नहीं सकते, गवर्नमेंट का इतना वो रिसोर्सेस नहीं है कि जाके चेक करने के लिए जा सकते, तो वो नॉमिनल इनकम मान के आपकी 12,000 रुपए इनकम मान के आपको दे देते थे कि यहाँ भी आपको टैक्स देना है इसके ऊपर। अब वो भी उन्होंने बोल दिया कि ठीक है दूसरे मकान तक, दूसरे मकान को हम आपको नहीं देंगे, बस उसमें कंडीशन है कि आपका सेम शहर में हो जी, यानी कि आप दिल्ली में रह रहे हैं और आपका मकान दूसरा लखनऊ में है, इट मींस अगर दिल्ली में हमारे पास दो मकान है जी, तो क्या मैं दोबारा उसको जरा क्लियर करूं, दो मकान है अगर आपके सपोज एक मकान में आप रह रहे हैं तो उस पे तो कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ये मान लीजिएगा कि दूसरा मकान जो है आपका, ठीक है, वो आपने किराए पे चढ़ा रखा है, ठीक है, आपकी इनकम आ रही है वहां से, ठीक है, पहले ये सिनेरियो था, ठीक है, उस पे टैक्स लग जाता था जो भी इनकम आ रही, ठीक है, अब ये बोल दिया कि कोई बात नहीं, अब दूसरा मकान भी अगर आपने कह दिया कि खाली पड़ा तो हमने मान लिया भाई आपकी बात, ओके ओके, पहले नहीं मानते थे, ऐड कर लेते थे, ठीक है। तो इससे क्योंकि मोहन भाई साहब का लिफ्ट और एलिवेटर्स का बिजनेस है, तो लोग जब मकान खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं आपके व्यवसाय में भी इसमें और चीजें रियल एस्टेट, क्योंकि रियल एस्टेट काफी 3-4 सालों से नोटबंदी और जीएसटी आया है, अभी तो सरकार ने कल पीयूष गोयल ने जी इसकी की है कि हम जीएसटी आयोग से इस पे सिफारिश करेंगे कि प्रॉपर्टी पे जो टैक्स रेट है टैक्स पे कम करें, तो इससे कहीं ना कहीं आपके सेगमेंट में भी आपके व्यवसाय में भी, क्योंकि आप तो लिफ्ट इंडियन कंपनी में मैं जहां तक समझ पाता हूं कि लिफ्ट एंड एलिवेटर में सबसे बड़ी कंपनी आपकी है, तो उसमें कितना आप देख रहे हैं इस तरफ नजरिए से। थैंक यू रजेश भाई, ये अच्छा सवाल है, उसमें सरकार ने कोशिश करा है कि जो रियल एस्टेट थोड़ा सा दबा हुआ है उसको उस पर पुश अप करने की कोशिश करी है, तो क्योंकि अभी पैसा होते हुए भी है, जैसे इन्होंने बताया कि भाई अगर पैसा एक मकान बेचते हो कैपिटल कैपिटल जो गेन हो रहा है उससे आप मकान नहीं खरीदते तो टैक्स देना पड़ता है, तो अभी उन्होंने ये जरूर कर दिया कि एक उस सेम साल में एक या दो मकान खरीद सकते हो, प्रोत्साहन जरूर, हाँ प्रोत्साहन है, और रियल एस्टेट का प्रोत्साहन है कि जो मकान इतने बने हुए हैं वो सेल पर नहीं है तो उसे काफ़ी तकलीफ हो रहा है, जो जिस बिल्डर ने बनाया उसमें काफी एम्प्लॉयमेंट भी लाइव भी थे तो उनका भी तकलीफ हो रहा था, जिससे उनको थोड़ी सी पोषण मिलेगा और इससे देश से थोड़ी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और मकान भी दोबारा वो स्टार्ट भी कर सकते हैं नए मकान बनाने के लिए, इससे बहुत बेनिफिट होगा। जितेंद्र भाई आपसे भी सेम सवाल है, क्योंकि आप भी फर्नीचर और डेकोरेशन इंटीरियर्स का काम करते हैं, तो अगेन जितनी मकाने लोग खरीदेंगे उतना इंफ्रास्ट्रक्चर में चीजें डेवलप होगी, तो इसको आप देखते हैं कि इस तरह की इंडस्ट्रीज, क्योंकि आपकी आपके पास तो शायद इंडिया में कुछ ही कंपनी है जिसके पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, कुछ ही लिमिटेड कंपनी है उसमें से आपकी एक है, तो इसमें इस तरह के जो भी बिजनेस है बड़े या छोटे इस तरह के बिजनेस को इससे बढ़ावा मिलेगा, हाँ इससे बिल्कुल बढ़ावा मिलेगा मेरे को लगता है, क्योंकि हम अब तक जितनी बातें करी हैं और जो बजट का भी जो मेन मकसद जो दिखाई दे रहा है वो है मीडियम स्केल सेगमेंट को अप्रोच करना है, उसको पुश करना है, तो उसी सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए जितनी भी इस टाइप की ग्रोथ आएगी, छोटे छोटे मकान, छोटे ऑफिस, छोटे जो बिल्डिंग है जिनको ये बेनिफिट, जो मिडिल क्लास है या लोअर टू मिडिल क्लास है उनको जो बेनिफिट देने की ये बात सोच करके जो कही गई है उनको सबको उससे पूरा फायदा होगा, और मेरे को लगता है कि अच्छा स्टेप। सज्जन भाई साहब एक एक्टिव सवाल, क्या हम माने कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, जैसे मनरेगा जैसी स्कीम्स भी चल ही रही है, इसमें इस बार तो सरकार ने बजट भी दिया है, कुछ हद तक जहाँ तक कुछ लोगों का मानना है कि मनरेगा से चीजें सदुपयोग उसका प्रॉपर होना चाहिए, ये सबसे जरूरी है, तो क्या इस तरह से पूरा ओवरऑल एक हम देखें देश को और सारी सिस्टम को और सारी चीजों को, तो क्या हम देश के बेसिक एक रोड मैप बहुत तेजी से आगे बढ़ने की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं? राज भाई निश्चित रूप से ऐसा नहीं कि हम लोग इस बात को कहते हैं, निश्चित रूप से ऐसा फ्यूचर नजर आ रहा है इंडिया का जी। और मैं तो अपने स्टाफ में चूंकि मेरा खाने पीने काम भी जी, नाम जी, से जी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि 2-3 साल में इंडिया इतनी तेजी से जंप करेगा कि जो वर्ल्ड के कुछ टॉप के कंट्रीज है उसमें आ जाएगा, क्योंकि जो पॉलिसीज होती है किसी भी देश की जो पॉलिसीज होती है
सब कुछ उस पर डिपेंड करता है हमारी पॉलिसी कैसी है। तो जो इस टाइम पॉलिसी हमारी है वो निश्चित रूप से भारत को बहुत आगे ले जाएगी। मैं आपको भी जो बुलाया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इस तरह के आप सभी का आने के लिए, और हम दोबारा इस तरह का प्रोग्राम और भारत की सरकार की जो पॉलिसीज हैं, अपने देश की जो पॉलिसीज हैं, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी आपको आप सब तक लेकर आते रहेंगे। इस तरह के प्रोग्राम हम करते रहेंगे और कैसे इस सारी पॉलिसीज का आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं, और क्योंकि ये हमारा और हमारे देश के सभी शिक्षित और जो समृद्ध लोग हैं इनका फर्ज भी बनता है कि हम सरकार की नीतियों को अपने नीचे वाले जो कम पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, उन तक पहुँचाएँ। क्योंकि केवल देश में देश ही हमारे लिए करे इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। हमें अधिकार से ज्यादा कर्तव्य की बात करनी पड़ेगी, हमने देश के लिए क्या किया, और इसी सिलसिले में हम इस तरह के जानकारी देते रहेंगे। और आज के लिए बस धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।